नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में। जानेंगे क्या है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, साथ ही साथ इसका फायदा क्या है और सरकार को इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी को इसी वीडियो में। इसके अलावा इससे जुड़ी वो सारी जानकारी को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं न्यूज में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस के सर पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लॉन्च किया। ये पॉलिसी असल में तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये जो पॉलिसी या जो नीति है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 सालों में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको 10% से भी कम पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत यानी कि ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसके अंतर्गत बेसिकली जो यूथ हैं उनमें अलग अलग स्किल्स डेवलप की जाएगी और रोजगार के अवसर को भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस नई पॉलिसी के तहत जो भी सप्लाई साइड पर यानी कि जो भी भेजने वाली साइड पर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उन सभी को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भारत में जो मेनली लॉजिस्टिक्स का कारोबार होता है ये मेनली रोड के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एयर रूट्स के थ्रू लॉजिस्टिक का काम होता है। यहाँ पर बार बार वर्ड यूज किया जा रहा है लॉजिस्टिक्स। आइए पहले जान लेते हैं ये लॉजिस्टिक्स असल में होता क्या है। देखो लॉजिस्टिक्स की हम लोग जब भी बात करते हैं तो भारत जैसे देश में, मतलब जो भी कंट्री एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहां होता क्या है कि कोई भी सामान आपको एक जगह पर नहीं मिल पाता है। ठीक है, सपोज करो जैसे आप कोई एक जगह पर रह रहे हो तो वहां पर आसपास के इलाके में ऐसा कोई जरूरी है कि सारे सामान आपको उसी आसपास में मिल जाए। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको कहीं दूर जा करके उसे लाना पड़ता है, राइट। तो इसी तरीके से इंडिया में भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टेट में मिलती है वो चीज़ दूसरे स्टेट में नहीं, और जो चीज़ दूसरे स्टेट में मिलती है वो तीसरे स्टेट में नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, और ये ना केवल इंटर स्टेट होता है बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। यानी एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सामानों को सेंड करते हैं। अच्छा, तो आज के दौर में बेसिकली जहाँ पर ग्लोबल मार्केट, ट्रेड या फिर ई कॉमर्स की जब भी बात आती है तो इन सब के बैकबोन के तौर पर लॉजिस्टिक काम करता है। लॉजिस्टिक दरअसल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तैयार माल या फिर जो भी कच्चा माल होता है, ठीक है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसमें माल का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है, उसका भंडारण यानी उसका स्टोरेज भी होता है, ग्राहक तक माल की डिलीवरी भी इसके अंतर्गत करवाई जाती है। यानी इस पूरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है इसकी नीड होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले सप्लायर साइड से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन तक माल पहुंचेगा, ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर तक पहुंचेगा, और रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होगा, ये ग्राहक तक माल पहुंचेगा। अब इसको सिंपल तौर पर समझे कि सपोज करो कोई एक ग्राहक है, ये सपोज करो कोई एक ग्राहक है और ये क्या करता है किसी ई कॉमर्स साइट से, मान लो ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो ये क्या करता है किसी ई कॉमर्स साइट से एक मोबाइल फोन परचेज करता है, ठीक है, इसने ऑर्डर किया मोबाइल फोन परचेज करने का। अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, ये खुद तो मोबाइल फोन बनाती नहीं, ये तो केवल बेचने का काम करती है, तो ये क्या करेगी उस जगह पर संपर्क करेगी जहां पर ये मोबाइल फोन्स तैयार किए जाते हैं। जो इंडिया है यहाँ केवल मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग होती है, राइट, हालांकि अब कई सारे ऐसे फोन्स हो गए हैं जो कि मेनली इंडिया के अंदर ही तैयार किए जाते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर एक ऐसे एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं जहां पर मोबाइल फोन्स को केवल असेंबल किया जा रहा है, सपोज करो, ठीक है, तो ये ऐसा जगह है जहां से मोबाइल फोन्स को असेंबल किया जा रहा है और यहां से ये फ्लिपकार्ट को बेचता है। अब जहां पर असेंबलिंग हो रही है वहां पर ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें तैयार की जाती है, वो चाहे मोबाइल का चिप हो, मोबाइल की स्क्रीन हो या फिर जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें ये भी तो किसी न किसी प्लेस से मंगाता होगा। तो सपोज करो ये कोई एक ABC नाम की कोई एक फैक्ट्री है, तो अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो ABC नाम की फैक्ट्री है या सबसे पहले क्या करेगी, जो भी प्रोडक्ट है या भेजेगी इस पर्टिकुलर शॉप को, जहां पर क्या होगा कि ये सारी फोन्स को असेंबलिंग किया जाएगा, सारे जो फोन से यहाँ पर जितने भी फोन के पार्ट्स थे उन सभी को यहाँ से भेजा गया इस शॉप पर, और यहाँ क्या किया गया, सभी को असेंबल किया गया। असेंबल करने के बाद ये क्या करेगा, आगे भेजेगा फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट फिर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को हम तक पहुँचाएगा यानी कस्टमर तक पहुँचाएगा। तो ये जो बेसिकली कंप्लीट वर्क आप देख रहे हो यही काम होता है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स ना केवल ट्रांसपोर्टेशन पे बल्कि ये सप्लायर लेवल से लेकर के जो एंड कस्टमर होता है, जो आखिरी कस्टमर होता है, वहां तक ये पूरा काम लॉजिस्टिक के द्वारा किया जाता है। डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, व्हेन द गुड्स आर रेडी इन अ कंपनी इट इज पिक्ड अप फ्रॉम देयर एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर प्लेस बाय वेरियस मींस। दैट मींस कि जब भी कोई प्रोडक्ट, वो चाहे कच्चा माल हो या फिर तैयार माल हो, जब वो तैयार हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। अब एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए, साधन के तौर पर हम लोग रेल, सड़क या फिर हवाई या फिर जलमार्ग का मेनली इस्तेमाल करते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया में लॉजिस्टिक्स एक कॉमन चीज़ भी
हो सकती है, जैसा हमने बताया मोबाइल फोन हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, या फिर इवन पेट्रोल और डीजल भी हो सकता है, जो कि जैसा कि इंडिया में हम लोग यहाँ पेट्रोल और डीजल तो नहीं ला सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश से इंपोर्ट कराते हैं पेट्रोल डीजल, राइट, या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह भी क्या किया जाता है, दूसरे जगह से मंगाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी में बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स है इसका यूज होता है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है इसका असल में सबसे बड़ा खर्च या फ्यूल होता है, यानी ईंधन पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा जैसे अगर मान लो सपोज करो आप कोई सामान है जो कि आप सड़क मार्ग से ले जा रहे हो, तो वहां पर आपको रोड टैक्स देना होता है, टोल टैक्स देना होता है, तो इन सभी पर क्या होता है, खर्च बहुत ज्यादा आता है, और सरकार इसी खर्च को कम करना चाहती है ताकि जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, उसे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आइए जानते हैं जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है असल में है क्या। देखो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का जो मेन एम, मुख्य उद्देश्य रखा गया है, वह यह रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसे 10% या फिर इवन सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर तकरीबन 13-14% है, और इसे कम करने के लिए बेसिकली सरकार के द्वारा इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत 4 मेन स्टेप्स लिए गए हैं। ये 4 मेन स्टेप्स कौन-कौन से हैं? पहला है, इसके तहत एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट तैयार किया गया है। सिंगल रेफरेंस पॉइंट यानी कि यहां पर सड़क, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन समेत कई सारे अन्य विभागों के 30 से भी ज्यादा सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो दूसरा स्टेप लिया गया है वह है यूएलआईपी का, यूएलआईपी यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तीसरा है ई लॉग्स का, और जो चौथा है वह है SIG का। इन तीनों को भी एक बार समझ लेते हैं। यूएलआईपी यह क्या है, यह है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, और ई लॉग्स यानी ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, यह एक्चुअली में क्या करेगी, जो लॉजिस्टिक्स की इफिशियंसी है, ठीक है, इसे बढ़ाने में मदद करेगी। जो यूएलआईपी है असल में परिवहन क्षेत्र से संबंधित जो भी डिजिटल सेवा है, ठीक है, इन सभी को एक पोर्टल पर लाया जाएगा, और जो निर्यातक के लिए पहले जो ये सेवा काफी लंबी और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, इन सभी को इस यूएलआईपी पोर्टल की मदद से आसान बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ई लॉग्स पोर्टल है इसकी मदद से जो उद्योग है वह सीधे ऐसे किसी भी मामले को उठा सकते हैं जो सरकारी एजेंसियों के साथ उसके संचालन में समस्या पैदा करते हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने SIG स्टेप भी लिया, SIG यानी सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। अब ये जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप होगा यह असल में जितने भी लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट है इन सभी को मॉनिटर करेगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे रिजॉल्व भी करेगा। इसके अलावा आइए जानते हैं भारत को आखिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा हमने पहले ही बात किया कि भारत में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है यह तकरीबन 13-14% तक का है, जो कि और किसी भी डेवलप्ड नेशन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। किसी भी डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करें तो वहां जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वह मैक्सिमम 7-8% है, और यह भारत में 13-14% तक का है। तो इसे ही बेसिकली कम करने के लिए अगले 5 सालों में इसे सिंगल डिजिट में लाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाया गया है। इसके साथ ही साथ जो भारत का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये काफी ज्यादा डिफ्रेगमेंटेड है, काफी ज्यादा बिखरा हुआ है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इस पूरे को सिंपल प्रोसेस बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाया गया है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है भारत में यह हर वर्ष तकरीबन 22 मिलियन से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार तैयार करता है, और अगले 5 वर्षों में इसके 10.5 की दर से बढ़ने की भी उम्मीद है। इसके अलावा भारत के इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए जो लॉजिस्टिक है इसे बैकबोन के तौर पर भी देखा जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं अलग अलग सूचकांकों के अंतर्गत भारत की रैंकिंग क्या रही है, मेनली ये जो लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग जो भी इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स वर्ष 2018 में जारी किया गया था, इसके अंतर्गत भारत 44वें स्थान पर था, और इसी रैंकिंग में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, अमेरिका, चाइना, इन सभी की रैंकिंग की बात करें तो यह क्रमशः पहले, 14वें और 26वें स्थान पर रही थी, यानी जर्मनी पहले स्थान पर, अमेरिका 14वें स्थान पर और चाइना 26वें स्थान पर। इसके अलावा ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग इंडेक्स हुआ ये जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। इसके अलावा भारत भी लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग एक इंडेक्स जारी करता है हर वर्ष, जिसे कहते हैं लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स, और वर्ष 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया था। इसके अंतर्गत जो गुजरात है वह शीर्ष राज्य रहा था। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने बेसिकली जाना कि जो लॉजिस्टिक्स है क्या होता है लॉजिस्टिक्स, साथ ही साथ ये भी जाना कि जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी भारत को, अलग अलग इंडेक्सेस में भारत की रैंकिंग क्या रही है लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग, इन सबको हमने इसी वीडियो में देखा। अब चलते हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 तैयार किया गया है, आपने बताना है इसे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए तय, उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।